मेरी रोटियां हो गई हैं रेडी, मैंने भी अपना पराठा खाना ख़त्म कर दिया। मतलब कल भी नहीं बनाया और आज भी दिल नहीं चाह रहा था, नहीं बनाया, सालन बनाया नहीं, क्योंकि दिलबर अभी अभी आए तकरीबन कोई 10-15 मिनट ही हुए थे। उनको आए थे फिर फादिया को लेने जाना था, वो चाची के साथ हॉस्पिटल में थे, चाची की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको हॉस्पिटल बोल रहे थे लेके गए, वो भी आए, उन छुट्टियाँ वगैरह लगी हुई है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा बाहर से लेते हैं, तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। अभी वो फादिया को लेके आएंगे और रोटी हमारी रेडी है तो हम खाना खाएंगे। मैं यहाँ बच्चों का हर दिलबर का वेट कर रही हूँ, आए नाश्ता करे, क्योंकि ना बहुत सख्त वाली भूख लगी और मैं चाय भी नहीं पी रही। रात काफ़ी सर में दर्द हो गया था, पंखा चलाते चलाते ना काफ़ी टर्ब कंधों में शोल्डर में पेन था, तो फिर मैं चाय नहीं पी, मैंने कहा चले नाश्ता करके एक ही बार पीऊँगी, फिर ये लोग आ ही नहीं रहे। बस फादिया वहाँ पे दुआ वहाँ पे खेलना लग गई होगी और ये लोग रुक गए। हाय अरबा, और बाहर का मौसम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम है। रोजाना ना इतनी हवा होती है रात के टाइम, लगे रात लाइट नहीं थी ना तो हवा भी नहीं थी। घर जो है ना मैं चाय आ चुकी हूँ, चाय पीते हैं और उसके बाद घर के काम, क्योंकि रात से ही सर में दर्द है तो पहले चाय बाद में रखी। ये भी मैं पोछा लगाती, पोछा लगाने के बाद फिर बाकी के जो काम करने हैं ना वो करती हूँ। और आज ना चावल या तो लेते हैं या बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, बस हो गई है मेरे चावल देख देख। सारी लाइट में ये वायर जो है ना ये चेंज हो रही है काफ़ी टाइम से, मतलब बिजली भी कट कर दी है उन्होंने जी, बस अभी अंधेरा है सारा का सारा। ये देखिए तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या क्या, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काम तो मैंने कर लिए थे, नमाज भी हो गई थी, काम शाम भी हो गए थे, बस बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ एकदम से ना लाइट भी हो रही है, लाइट पाकिस्तान जिंदाबाद। फर्स्ट टाइम लाइट होने के नतीजा ना होने का नतीजा हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो बाहर उठते आते हैं फिर जो है हम लोग फादिया को भी स्कूल छोड़ेंगे, इसके अलावा बहुत सारे घर के काम भी। बाहर से भी घूम घुमा के आगे 5 बज गए, अभी तक भी लाइट नहीं आई। फादिया गई ट्यूशन और हम दोनों हैं यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ से अब धूप भी आ रही है और हवा भी इतनी नहीं है। आज कोई भी काम ना हुआ ना कुछ, काम क्या करना था, सफाई भी हो गई थी, नाश्ता वाश्ता भी हो गया था, ये काम तो हो गया था, वैसे ही बंदा कोई ना कोई काम ढूँढ के कर ही लेता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जाके 5:30 बजे लाइट आई है, और है ना कुछ घर में घर भी ऐसे अजीब सा हो रहा था, हवा से बस चले जी असर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करूँ, कुछ भी नहीं। एक तो ना पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले उन्होंने कहा यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर फर्स्ट टाइम है ना व्लॉग शूट किया था, आई थिंक दिलबर का ही मेरे ख्याल में फर्स्ट व्लॉग इधर से तब का नहीं, बाबर भाई का था। चलें जो भी चलो जाओ, आप इधर से चढ़ो ना धुआ ऊपर,
फरफा दिया का था फर्स्ट वहाँ पर जमजमा में, वो लोग यहाँ पे गए थे ऐसे था ना, अब यहाँ पर भी हुआ मतलब चेंज कर दिया, पहले कुछ और था अब डिफरेंट हो। वहाँ पर जाना दिलवर जाना अपने दोस्त हमारे इलाके का ही है, पुलिस वाला है, वो मिल गया था उसके साथ ना, ये गपशप करने लग गया। मर्दों का यही होता है, जहाँ पर भी दोस्त मिले ना वहाँ पर भी शुरू हो जाते हैं। और अभी आगे जा रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, चले पापा गए और दुआ भी गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलें जी, आज की जो हमारी वीडियो है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ा सा मैं बाहर गई थी, वो भी शूट किया बच्चों के साथ, बाहर गए थे। और उसके अलावा घर में जो भी एक्टिविटी थी, या तो दो दफ़ा ही बाहर गई, या तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं तकरीबन कितने अरसे के बाद बाहर गई हूँ जो याद भी नहीं है। आई थिंक दिलबर जब पंजाब गया था ना उससे पहले, मतलब हम ऐसे बाहर गए थे, फिर है ना ये नहीं गए, आज ही गई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब गए ना। तो कभी कभी वैसे बाहर जाना भी चाहिए, एकदम से अंदर घुट के नहीं बैठना चाहिए। मैं यहाँ तक तो जाती हूँ, मतलब ग्रॉसरी वगैरह या कभी कुछ छोटा मोटा लेना हो तो चली जाती हूँ, वरना जो है ना इतने लंबे इस पे बंस रोड तक आज गई थी। और फिर ये बच्चों को आइसक्रीम खिलाने दोपहर में गए थे जब हमारी लाइट नहीं थी। उसके अलावा भाई बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो मूवी देखी है ना, मुझे रोना आ गया, मैं रो रो के भी फारिक हुई है, देखिए मेरी आंखें भी सूजी हुई हैं। हाय बस ऐसे मूवी का ना सीन आ गया, हमको तुमसे प्यार है, तो ना मैंने कहा सोचा क्यों ना सोचा कि इसका लास्ट देख लो। फिर जब लगी मैंने कहा नहीं शुरू से ही देख लो, देखते देखते ना मूवी मैंने फुली देख डाली, बस फुली मूवी देख डाली। मुझे ना उसमें अमीषा पटेल की और जो अर्जुन रामपाल थे ना उनका जो सेकंड सॉन्ग था ना वो मुझे बहुत पसंद है, अंधी हो कि इतना अच्छा डांस कर रही होती है यार, हम तो ना आंखों वाले नहीं कर पाते। खैर मूवी थी लेकिन वो मुझे बहुत ना उसके ना एक दो स्टेप मुझे बहुत अच्छे लगे थे अर्जुन के, और फिर लास्ट वाले जब वो आंखों पे ना पट्टी बांध के ना वो बना रही होती है, मुजस्मा बना रही होती है ना, उसकी पूरी शक्ल बना रही होती है कि हाँ ये वही है बंदा, ये वही है ना, वही है इसमें, जब वो रोती है ना बड़े बुरा भेड़ा रोती है यार कसमें। मैं और सुमेरा हमेशा इस पे करते हैं कि ना अमीषा पटेल ना रोती बड़ा बुरा है अजीब तरह से। अच्छा उसके अलावा ना आज एक बहुत यह पता नहीं क्यों दिल में ना कितने दिन से आई थी, मैंने कहा कर लूँ कर लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं करो यार छोड़ो, लेकिन नहीं कभी कभी ना, अभी तो खैर दो महीने हो गए तकरीबन ढाई से, दो महीने हो गए ज़्यादा नहीं, दो या दो महीने हो गए, हाँ दो महीने हो गए दिलबर ने ये बात नहीं की, लेकिन अक्सर जो है ना इन जब से अली गया ना कुछ भी हो ना तो वो एक बात ये करते हैं कि तुमने मुझसे अली को ना भेज के तुमने अच्छा नहीं किया। तो आज जो है ना मैं आपसे सॉरी करती हूँ पूरी दुनिया के सामने, अगर आपको लगता है कि ये मैंने गलती की थी तो प्लीज़ माफ़ कर दें। बस पता नहीं मैं शायद तो गलत हूँ या जो भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बस आपके जो था ना आज फिर वही सारी चीज़ें सोची तो मुझे लगा कि शायद बाकी मैंने गलती कर दी है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ज़िंदगी रही तो उम्मीद है कि आइंदा कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जो था वो था, सॉरी उसके लिए। उसके चलिए जी, काफ़ी लोगों का था कि आप जो है ना फादिया को मोबाइल पकड़ा दे, मुझे बुखार था तो उसने खुद ही बना के ना वो बनाती रही तो मैंने डाल दी, मैंने कहा अच्छा काफ़ी लोग हैं जो पसंद करने वाले होते हैं उनके लिए। और उसके अलावा चाची की भी काफ़ी तबीयत ख़राब है, आज भी दिलभर उनको हॉस्पिटल शायद सुबह लेकर गए थे, कुछ ड्रिपें लगी हैं, तो खैर मैं तो जा नहीं सकती, बाकी मैंने 3 से 4 दफ़ा उनको मैसेज की है, उनकी तबीयत वगैरह पूछे, इतना ही कर सकती हूँ। मेरे पास मैंने उन्हें कहा कि आ जाए तो कह रही चल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ना टांगों में दर्द है, तो मैंने कहा अच्छा कोई ना आप ठीक हो जाए। नैना भी जो है ना बोल रही थी कि वो भी जल्दी आने वाली, ऊपर से चाची की भी तबीयत ख़राब, तो मौसम की वजह से आई थिंक है। एक दो मुझे और भी कमेंट है कि हमारी भी तबीयत ऐसे ही ख़राब है। तो चलें जी यहीं पर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल एक नया व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं वैसे गुड मॉर्निंग होगा, गुड मॉर्निंग हो गया मेरी तरफ से आप सबको।